पिछले दिनों विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के दौरान जहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी द्वारा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ किए गए दुर्व्यवहार किए जाने का मामला अब तू पकड़ने लगा है। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर की कांग्रेस नेता विधायक गीता बुक्कल ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कितनी भी अनीति कर ले, लेकिन कांग्रेस जनता के हितों की आवाज सड़क से लेकर विधानसभा तक और सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाएगी। बुक्कल यहां जिला मुख्यालय पर एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायक पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के बढ़ाए गए दाम, महंगाई, कृषि कानूनों को रद्द करवाने के साथ साथ सरकारी नौकरियों के हो रहे पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार के सांसद रहे और 4 बार विधायक रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरेबान पर हाथ डालने का काम किया। इसी को लेकर विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर महोदय को लिखित रूप में शिकायत दी है, जिस पर जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन हमारी मांग है कि ये जांच निर्धारित समय में होनी चाहिए। कारण है कि जांच से ही साफ होगा कि किसके इशारे पर पूर्व सीएम की गिरेबान पर हाथ डाला गया। उन्होंने पेपर लीक भर्ती मामले में बोलते हुए कहा कि बार बार पेपर लीक होने का मामला चिंता का विषय है, कारण कि हमारे प्रदेश का जो युवा दिन रात मेहनत कर तैयारी कर पेपर की तैयारी करता है, पेपर लीक मामले से उसका मनोबल टूटता है। यही वजह है कि हमारा युवा नशे व क्राइम की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने चेताया कि जनहितों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस यूं ही आवाज बुलंद करती रहेगी और मजबूती के साथ जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। कार्य किया है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो न केवल 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार के सांसद हैं, 5 बार के विधायक हैं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनकी हिम्मत देखो, उनकी गर्दन पर हाथ लगाने का काम पुलिस प्रशासन ने किया, जिसका कि हमने हमारे स्पीकर महोदय को इस चीज की जब आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने प्रदेश जो हमारी हरियाणा विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी है उसको इन्होंने ये जांच सौंपी है और हमने स्पीकर महोदय से अनुरोध किया है कि टाइम बाउंड मैनर में उसकी जांच का जो है जल्दी से जल्दी बताएं। और जो अधिकारी या जिनके आदेश पर हम लोगों को विधायकों को विधानसभा में रोका गया, हम लोग महंगाई की मार झेल रही, जो रसोई गैस के, पेट्रोल के, डीजल के, सरसों के तेल के जो रेट्स बढ़ रहे हैं, हम उसको लेकर एजिटेशन कर रहे थे। किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर हम एजिटेशन कर रहे थे। किसानों के जो काले कृषि कानून है उसको लेकर हम लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और सबसे बड़ा हमारा जो कारण था वो जो पेपर लीक होकर युवाओं के साथ इतना बड़ा मजाक जो सरकार कर रही है, कोरोना की वजह से युवा आज हमारा डिप्रेस्ड हो गया है, वो क्राइम करने की ओर बढ़ रहा है, नशे की चपेट में आता जा रहा है। ये विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है, सड़क से लेकर विधानसभा तक और सड़क से लेकर संसद तक हम हमारे हरियाणा की जनता को आवाज को उठाएं। और सरकार ने अपने दम पर हमारी आवाज को दबाने का काम किया, किसी भी हालत में कांग्रेस की आवाज दबाने का काम अगर सरकार करेगी उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ हम लोग हमारी जनता का जो है जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां, हम अपनी जनता की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे।